उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा और पेयजल आपूर्ति के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और यात्रा को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर स्टेडियम में डीएम व एसएसपी समेत जिले के सभी उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें पेयजल आपूर्ति के साथ चार धाम यात्रा के संबंध में चर्चा की गई और प्रशासन को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इसके बाद सीएम धामी कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी के आवास पर पहुंचे, उनके परिवार को सांत्वना देते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी उनके साथ थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि चार धाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुखमय हो, इसके लिए सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चार धाम यात्रा के लिए सब तैयारियां पूरी हैं और जो पिछले सालों के अनुभव हैं उनसे भी जो तैयारियां हैं उसको किया गया है। जो पहले कुछ कमियां रहती थी कुछ उन पर पूरा किया गया कि वो सब ठीक प्रकार से हों, सभी लोग आपस में अच्छा समन्वय करें। और चूँकि चारधाम यात्रा एक बहुत कठिन यात्रा भी है और पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। हमारा प्रयास है सबकी यात्रा आसान होनी चाहिए, सरल यात्रा हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो सभी विभागों का लगातार काम चल रहा है, कल से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।